इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक झिलमिल की कक्षा 5 का पाठ 4, जिसका शीर्षक है हॉकी का जादूगर। तो बच्चों, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, जो हमारी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे। हॉकी में स्टिक और बॉल के साथ उनकी कलाकारी कमाल की थी। एक बार बॉल उनकी स्टिक के पास आ गई तो समझो गोल हो ही गई। ऐसा लगता मानो बॉल स्टिक के चिपक ही गई और वो दनादन गोल करते जाते। आज के इस पाठ में बच्चों, हम इनके बारे में और विस्तार से पढ़ने वाले हैं, इसलिए शुरू करते हैं आज का ये पाठ, जिसका नाम है हॉकी का जादूगर, जो कि मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और इनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 29 अगस्त को होता है। तो उनके जीवन की कुछ घटनाओं से और हम परिचित होते हैं। हॉकी का मैदान ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड जगह पर खेल रहे थे। ये देखो बच्चों, हॉकी का ये ग्राउंड है, जहाँ पर ये सेंटर फॉरवर्ड का पॉइंट है, यहाँ पर यानी मध्य में आगे यहाँ से खेल रहे थे। यहाँ पर कौन खेलता है? जो भी खिलाड़ी यहाँ से खेलता है वह सबसे टॉप खिलाड़ी होता है, उन्हीं को यहाँ पर खड़ा किया जाता है। तो इस स्थान पर खेलने वाला खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति का मध्य व प्रमुख होता है। अग्रिम यानी सबसे आगे, तो उसमें शीर्ष के चुनिंदा जो खिलाड़ी होते हैं वही यहाँ पर खेलते हैं। सबकी नज़र गोल पोस्ट पर थी। जब खेल चल रहा था तो सबकी नज़र किस पर थी? गोल पोस्ट पर। और मेजर ध्यानचंद यानी हॉकी के जादूगर, इनके पास अगर एक बार बॉल आ गई तो समझो गोल हो ही गई। गोल करने के लिए ध्यानचंद बिजली की गति से आगे बढ़े। बिजली की गति से आगे का अर्थ है कि बहुत तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने जोरदार स्कूप किया। स्कूप का अर्थ होता है बॉल को नीचे से हिट करना, यानी जिससे बॉल ऊपर उठती है। तो यहाँ से बॉल को जैसे ही हिट किया, गेंद उठाने की इस कला में उनका जवाब न था। मतलब यहाँ पर जब उन्होंने एक बार ऐसे बॉल उठा दी तो समझो गोल हो ही गई। लेकिन यह क्या, गोल न हुआ। गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से होती हुई बाहर निकल गई। आश्चर्य की गोल न हुआ। सबको आश्चर्य हुआ कि ये गोल क्यों नहीं हुई। गोलकीपर, दूसरे खिलाड़ी व दर्शक जो गेम को देख रहे थे, सब अचंभित रह गए। अचंभित यानी सबको बहुत हैरानी हुई। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। अफसोस यानी उनको थोड़ी चिंता के भाव थे उनके चेहरे पर। लेकिन वे मैच खेलते रहे। उन्हें शक हुआ कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई गलती है, क्योंकि आज उनके साथ जैसा वो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ था। मैच के बाद उनके आग्रह पर यानी उनके रिक्वेस्ट पर गोल पोस्ट नापा गया। उसकी ऊंचाई 3 इंच कम पाई गई। तो इस तरह गोल न होने का राज खुल गया। राज खुल जाना, ये बच्चों एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भेद खुल जाना। तो इस तरह गोल क्यों नहीं हुआ, इस बात का भेद खुला कि गोल पोस्ट की ऊंचाई 3 इंच कम होने की वजह से वह उस दिन गोल नहीं हो पाई। इस तरह हमारे हॉकी के जादूगर इतने तगड़े खिलाड़ी थे। ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए अपने खेल जीवन में 1000 गोल किए, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हॉकी के इस खिलाड़ी का जन्म इलाहाबाद यानी प्रयाग में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर दत्त सिंह और माता का नाम श्यामा देवी था। उनकी पत्नी का नाम जानकी देवी था। मात्र यानी केवल 16 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। वे दिन में सेना में नौकरी करते और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते, हॉकी खेलने की प्रैक्टिस करते थे।
स्टिक और बॉल के साथ उनकी कलाकारी कमाल की थी। वे विपक्षी विपक्षी यानी जो विरोधी रक्षकों के बीच गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाए हुए मछली की तरह फिसल जाते। मछली की तरह फिसल जाना बच्चों ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी के हाथ ना आना। तो एक बार जब उनकी स्टिक के साथ बॉल आ जाती तो वह विपक्षी रक्षक जो उनके खिलाड़ी थे उनसे बचाकर वो गेंद को तेजी से आगे लेकर बढ़ जाते और गोल पर गोल करते। इनके प्रारंभिक प्रशिक्षक, प्रारंभिक यानी शुरुआती तौर पर इनके प्रशिक्षक यानी जो इनको सिखाने वाले थे कौन थे? सूबेदार मेजर बाले तिवारी। सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इन्हें हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुर सिखाए। गुर यानी दाव पे सिखाना, उस खेल के लिए कौन से दाव पे चाहिए वो सब किसने सिखाए? सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने। इनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था लेकिन सेना के अधिकारियों ने ही प्यार से इनका नाम ध्यानचंद रख दिया। खेल में उपलब्धियों के कारण सन 1947 के बाद मेजर के रूप में इनको पदोन्नति दी गई। पदोन्नति का अर्थ है कि उनकी तरक्की या उनका प्रमोशन कर दिया जिससे हम उनको आज मेजर ध्यानचंद के नाम से जानते हैं। इस तरह उनका नाम ध्यान सिंह से मेजर ध्यानचंद तक गया। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को उनके घर में 8-1 से करारी शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। 8-1 से करारी शिकस्त, करारी यानी जबरदस्त, शिकस्त यानी हार देकर स्वर्ण पदक जीता। फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में जर्मन के तानाशाह, तानाशाह यानी एडोल्फ हिटलर, ऐसे तानाशाह थे। तानाशाह का अर्थ होता है ऐसा शासक जो मनमाने ढंग से सब काम करता हो और किसी प्रकार के नियम या बंधन न मानता हो। तो ऐसे तानाशाही एडोल्फ हिटलर जो वहां उस स्टेडियम में मौजूद थे। विजेता टीम को उनके हाथों स्वर्ण पदक दिए जाने थे लेकिन जर्मनी की हार से वे इतने गुस्से में थे कि खेल समाप्त होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। अगले दिन हिटलर ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से मिलने का संदेश भिजवाया। इससे वे बेहद चिंतित हो गए क्योंकि वह उनकी तानाशाही और उन सबको जानते थे, इसलिए उनको चिंता हुई कि क्या बात हुई, क्यों बुलाया गया उनको। उन्होंने हिटलर की तानाशाही व क्रूरता के कई किस्से सुने हुए थे। क्रूरता का अर्थ होता है उनकी निर्दयता या उनका जो कठोर व्यवहार था, उनके चर्चे उन्होंने सुन रखे थे। अगली सुबह जब ध्यानचंद हिटलर से मिलने पहुंचे तो जर्मन तानाशाह ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गर्मजोशी से स्वागत करना यानी बहुत ही गहरे भाव, प्रेम भाव के साथ उनका स्वागत किया, जो कि ध्यानचंद ऐसा कुछ सोच नहीं रहे थे। बातचीत के दौरान हिटलर ने उनके सामने जर्मन फौज में बड़े पद का प्रस्ताव दिया क्योंकि वो चाहते थे कि वो जर्मन की तरफ से हॉकी में खेलें, इसलिए उन्होंने अपने फौज में उनको बड़े पद का प्रस्ताव दिया। पद का अर्थ होता है बड़ा ओहदा या पदवी और प्रस्ताव का अर्थ है कोई काम करने के लिए किसी के सामने रखा जाने वाला विचार या पेशकश करी। लेकिन हमारे दद्दा, दद्दा यानी जो उनका उपनाम था इनका, मेजर ध्यानचंद का, ने अपने देश प्रेम के कारण यह प्रस्ताव विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। विनम्रतापूर्वक यानी विनम्र होने की अवस्था या भाव, यानी कहने का अर्थ है कि शालीनता के साथ ठुकरा देना यानी उनको मना कर दिया कि मैं जर्मन फौज में नहीं हो सकता। उन्होंने अपने देश प्रेम यानी भारतीय होने का फर्ज निभाया। ध्यानचंद खेलते समय अपने अनुशासन और धैर्य के कारण भी प्रसिद्ध थे। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, किसी नियम के अधीन रहना या नियमों के शासन में रहना, और धैर्य का अर्थ होता है धीरता यानी उनके मन की स्थिरता, तो उसके कारण भी वो प्रसिद्ध थे। सन 1933 के आर्मी कप में विरोधी टीम, विरोधी यानी विपक्षी टीम के सेंटर हाफ खिलाड़ी ने खेल में पिछड़ने पर आपा खो दिया।
आपा खो देना, बच्चों ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है गुस्सा होना। तो उनकी जो विरोधी टीम का खिलाड़ी था उनको बहुत गुस्सा आ गया, वह ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी और गुस्से में उन्होंने हॉकी स्टिक को ध्यानचंद के सिर पर दे मारी। लेकिन हमारे ध्यानचंद कैसे थे, धैर्यवान थे, इसलिए घायल ध्यानचंद ने मैदान के बाहर जाकर घाव पर पट्टी करवाई। वह खेल भावना का परिचय देते हुए पुनः मैदान में उतरे, यानी दोबारा मैदान में आए। तत्पश्चात यानी उसके बाद विपक्षी टीम पर ताबड़तोड़ का अर्थ है कि लगातार एक के बाद एक 6 गोल करके खेल के उच्च कौशल से अपना बदला लिया। उच्च कौशल यानी उच्च का अर्थ है बड़ा या महान और कौशल का अर्थ है कुशलता या दक्षता। तो इस तरह बड़ी दक्षता के साथ अपना बदला इस तरह से लिया और इस तरह उन्होंने अपने धैर्य का परिचय भी दिया। अपने परिवार और खेल प्रेमियों के बीच ध्यानचंद दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ध्यानचंद को उनके खेल प्रेमी और उनके परिवार के लोग दद्दा के नाम से भी जानते थे। विदेशों में भी वे अत्यंत लोकप्रिय थे। अत्यंत यानी बहुत अधिक, अत्यधिक, और लोकप्रिय का अर्थ है कि जो लोगों में प्रिय हो या लोगों के बीच चर्चित हो, लोग उनको प्यार से जानते थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रेडमैन ने एक बार कहा था, मिस्टर ध्यानचंद, जिस तरह से क्रिकेट में रन बनते हैं आप वैसे ही हॉकी में गोल करते हो। ऑस्ट्रियाई मानते हैं कि ध्यानचंद देवी प्रतिभा के धनी थे। तो ऑस्ट्रिया ये मानते हैं कि ध्यानचंद देवी प्रतिभा के धनी थे। देवी यानी देवता द्वारा किया गया, प्रतिभा का अर्थ है प्रतिभा या सरलता, और धनी का अर्थ है मालिक या स्वामी। क्योंकि दो हाथों से इतने गोल संभव नहीं है। जिस तरह वो गोल करते थे तो सबको ऐसे लगता था कि वो दो हाथों से ऐसे गोल करना संभव नहीं है, उनके दो हाथ और हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे, यानी जो उनके देवीय हाथ हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में ध्यानचंद की 4 हाथ वाली मूर्ति स्थापित की गई है, इस तरह की, जिसमें उनके चारों हाथों में हॉकी स्टिक है। कई बार विपक्षी टीमों ने उनकी स्टिक को तोड़ कर देखा कि उसमें चुंबक आदि तो नहीं लगा रखा है, जिसके कारण वे दनादन गोल करते हैं। दनादन यानी निरंतर, लगातार गोल करते हैं। उनको लोग ठीक ही हॉकी का जादूगर कहते हैं। सन 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 और उनके छोटे भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। ओलंपिक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतियोगिता होती है। सर्वश्रेष्ठ का अर्थ है सब में अच्छा, यानी सर्वोत्तम खेल प्रतियोगिता होती है। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष बाद होता है। सन 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, ये देखो बच्चों, ऐसे पुरस्कार के मेडल होते हैं, तो इससे मेजर ध्यानचंद को सम्मानित किया गया। सन 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में विशेष अतिथि के रूप में ध्यानचंद को आमंत्रित किया गया। आमंत्रित यानी उनको वहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से, आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक से अर्थ है रुपए पैसे से संबंधित, यानी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वहाँ तक जा पाएँ। इसलिए आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वे सम्मान प्राप्त करने नहीं पहुंच सके थे। भारत सरकार ने ध्यानचंद के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है, जो कि बच्चों कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उनके जन्मदिवस, जन्मदिवस यानी उनके जन्मदिन, जो कि कब आता है, 29 अगस्त को, तो 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का गौरव, गौरव का अर्थ है बड़प्पन या महत्व, ध्यानचंद के परिवार ने भी खूब बढ़ाया है। उनके पुत्र अशोक कुमार ने सन 1975 के विश्व कप में गोल करके भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया था। इस तरह
मेजर ध्यानचंद के बेटे का क्या नाम है? अशोक कुमार, जो वो भी हॉकी के बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। हॉकी से संन्यास के बाद भी ध्यानचंद को विदेशों से कई अच्छे प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने धन के लिए देश नहीं छोड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में ही प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। प्रशिक्षक यानी प्रशिक्षण देने वाला, तो बच्चों को वहीं पर प्रशिक्षण देते रहे। 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एक अस्पताल में हॉकी के इस जादूगर का निधन हुआ था। निधन का अर्थ है मृत्यु हुई थी। मेजर ध्यानचंद ने झांसी के हीरो ग्राउंड पर हॉकी खेलना शुरू किया था और उनका अंतिम संस्कार भी इसी हीरो ग्राउंड पर हुआ था। तो इस तरह बच्चों, ये पाठ पढ़कर आप समझ ही गए होंगे कि इनको हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। अभी बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि मेजर ध्यानचंद ने हॉकी खेलना कौन से ग्राउंड से शुरू किया था, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।